बदकार औरत और, और बदकार मर्द जिना करने वाली औरत और तो जिना करने वाले मर्द के सौ कोड़े लगाओ सौ कोड़े लगाओ यानी जो सजा हम तय कर दें उस सजा में तुम अपनी तरफ से मुदाखलत मत करना अपनी नरमी मत दिखाना बड़े दानिश्वर और लाल भुजक्कड़ मत बनना और हुकूमत को सेकुलर बनाने और दुनिया को दिखाने के चक्कर में अल्लाह के अहकाम में बदल मत करना यह अल्लाह की तरफ से ऐलान है बताइए रूए जमीन पर कहाँ इस हिदायत पर जो इतनी इतनी शिद्दत और ताक़ के साथ पेश की जा रही अमल हो रहा है बताइए अपने गरेबान में मुंह डालिए और पूछिए कि हरमैन शरीफे जिस मुल्क में यानी जजीरतलरब में क्या वहाँ यह सदा नाफिज हो रही है वहाँ दलाइल के साथ ये बात साबित है कि हुक्मर और शहजादगान सब बदकारी में मुलवस है इल्ला माशा बहरहाल इल्ला माशा तौर पर पूरा खानदान हुक्मर बदकारी में मुलवस है और सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई बात है जो कह दी गई उनके केसेस यूरोपियन अखबारात में आए हैं वहां के टीवी पे आए हैं वीडियोस बनी हुई हैं और उनको पता नहीं था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और बात इतनी आम हो गई कि अब हर शख्स इसको जानता है अब जाहिर है कि वहाँ पर अगर ये कानून नाफिस किया जाएगा तो कोई शहजादा शायद बचेगा नहीं और दुनिया के बाया हुक्मरान और उन हुक्मरानों के तहत फौजी और उनके बॉडी गार्ड और उनकी पुलिस और उनके बड़े बड़े मनसबदार की अक्सरियत गुनहगार है जिनाकार है और फवाहिश में मुबला है और हर हर बदमाशी जो मुतायिश या तायश की जिंदगी में होती है वो करते हैं इसलिए रूए जमीन पर गालिबन कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां अल्लाह का इतना कड़ा कानून नाफिज किया जा रहा और ये बात तो उन लोगों के बारे में है कि जो गैर शादी शुदा है नबी वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दी है कि ये हुक्म कि सज़ा में सौ कोड़े लगाए जाएंगे उन लोगों के बारे में है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनके लिए ये हुक्म है और जो शादी शुदा है इनकी शादी हो चुकी है मिया बीवी के दरमियान रब्ता हो चुका है अगर वो यही जुर्म करेंगे तो उनको उनको संसार किया जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसारी की सजा दी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ते ने अख्तियार ने नहीं दिया जो अल्लाह के नबी हैं रसूल है सैद्लिन हैं कि वो सजा को माफ कर दे दुनिया ने अपने मुल्कों में जो अल्लाह के सदर जमहूरिया को दे दिए हैं सदर जमहूरिया को जिसको भी सदर बनाया जाता है काट का उल्लू उसको इख्तियार दे दिए जाते हैं कि वो जिसकी सजा चाहे माफ कर दे जिस मुजरिम को चाहे गोद में ले ले ये जो इख्तियार दिए जाते हैं इसी का ये नतीजा है फिर कोई गली कूचा जराइम से बचा नहीं है और जिसे भी देखना है पूरे मुल्क के अखबार एक दिन के जमा कर लीजिए और उसके बाद जराय जमा करना शुरू कीजिए तो एक जखीम जल्द न तैयार हो जाए तो मुझे जो चाहिएगा कह दीजिएगा एक दिन के जराय पूरे मुल्क के अखबार से जमा कीजिए तो एक जिल्द तैयार हो जाएगी अब अंदाजा कर लीजिए कि हर दिन एक जल्द हर दिन एक जिल्द तो कितनी जिल्दें जराइम की तैयार हो जाती अगर तैयार की जाती रोज़ाना के तमाम जराइम का अहाता किया जाता और ये एक मुल्क की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया के जराइम अगर जमा किए जाएं तो एक एक दिन में सौ सौ जिल्दें तैयार होंगी तो ये क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि अल्लाह की शरीय का मजाक बनाया गया और अल्लाह की शरीय से आज़ाद मादर पिदर आज़ाद गंदे और खबीस और नजिस लोग इस दुनिया पर हावी हो उन्होंने अल्लाह के क़ानून से आज़ादी हासिल की कि उन्हें अल्लाह नहीं चाहिए अल्लाह का नाम नहीं चाहिए उनकी यहाँ शर्त यह है कि वही कानून मंजूर किया जाएगा जिसमें अल्लाह का हवाला ना हो अल्लाह के क़ानून का हवाला ना हो जब अल्लाह से आज़ाद जो मालिक है जो ईश्वर है जो लॉर्ड है जो गॉड है उससे आज़ाद माशरा होना चाहिए ताकि पूरी तरह अल्लाह नहीं तो शैतान के हवाले कर दिया जाए लेकिन यहाँ पर एक बात और अच्छी तरह समझ लेनी ज़रूरी है क्योंकि इस्लामी कवानीन का जब तस्करा होता है तो जो लोग उसकी मुखालफत करते हैं जाहिर है कि वो शैतान के मुतब होते हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन वो जिस माशरे में मुखालफत करते हैं उस माशरे में सारे इंतज़ाम बदकारी के होते हैं और वो मुआरा ऐसा होता है जिसकी अक्सरियत बदकार होती है उसकी अक्सरियत फहाश होती है उसकी अक्सरियत अयाश होती है लिहाजा उसमें कहा जाता है कि अगर इस्लामी कानून नाफिज किया गया तो बचेगा कौन यानी सभी मार दिए जाएंगे इसलिए शोर बचता है ये शैतानी मुहिम का नतीजा होता है कि शोर बचता है पहली शर्त यह है कि माशरे को नेक बनाया जाए तकवे को आम किया जाए सद्दबाप जरायम का किया जाए ऐसी फिजा बना दी जाए कि लोग जुर्म से नफरत करने लगें और माहौल पूरा फराहम हो हर हर शख्स जिसकी जिसकी ज़रूरत है कि उसकी शादी हो उसकी शादी का इंतज़ाम किया जाए हर औरत जो बग़ैर शोहर के हो और उसकी उसकी ज़रूरत है कि शादी हो तो उसके लिए इंतज़ाम शादी का किया जाएकारी की सजा उस हाल में नहीं दी जाएगी कि सिनेमा घर खुले हुए हैं टीवी पर फौर्श फिल्में चल रही हैं और हर जगह बदकारी के इंतजामات हैं शराब खाने खुले हुए हैं धड़ल्ले से शराबें पी जा रही हैं और मदहोश और नशे में चूर افراد हैं जिनको किसी चीज़ का एहसास नहीं है ना अखलाक जानते हैं ना अदब जानते हैं शराब ने उनको नशे में चूर कर रखा है ऐसे माहौल में सजाओं का कोई मतलब नहीं ऐसे माहौल में हुक्मरानों को सज़ा देना चाहिए कि जिन्होंने न घर बंद किए न फहाशी बंद की न उरियानी बंद की औरतों को आज़ाद छोड़ दिया कि वह अपनी जीनत दिखाती फिरें और बदकारी की दावत देती फिरें नौजवानों को आवारा छोड़ दिया कि वह बदनिगाह हों बदबातिन हों और पूरे माशरे को इस तरह आज़ाद छोड़ दिया कि जैसे सांड हो और बैल हो सुअर हो जो जो हुकूमत ये कर रही हो उस हुकूमत को सजा देने की जरूरत